अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और हर रोज़ की तरह मैं और तारिक मतीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं आप डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे, जो कि है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हमने कल बात की थी किसकी, ऑडियो लीक की, और आज हम फिर से बात करेंगे एक और ऑडियो लीक की। लेकिन उससे पहले मोहब्बत नामे भाई, अच्छा मोहब्बत नामे, मोहब्बत नामे जो कमेंट्स आप हमें भेजते हैं उनका हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। जल्दी जल्दी करेंगे, लोग ये करते हैं, लोग बहुत देर कर देते हैं, इसलिए हमारी कोशिश हुई जल्दी करें। अमीन सिम्बियोस, ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि मार्केटें बंद करोगे तो फ़ायदा होगा। तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, जो तवानाई बनाने की बजाय वो तवानाई बचाने में उनका ज़्यादा हुआ है। लेकिन वैसे हमें अपनी आदतें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मिनरल से फॉर्म सही है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, सैयद जैनी भाई, सैयद जैनी भाई कह रहे हैं भाई साहब अपनी उर्दू से बट नहीं रखते। भाई मैं क्या लगता हूँ, लालू खेतिया? हाँ लालू खेतिया लगता हूँ, कोरंगी का रखता हूँ। नहीं भाई, अभी हमारे अच्छे इलाके हैं, मतलब हम उसमें कह रहे हैं, लेकिन एक मखसूस हर इलाके का एक्सेंट है, लहजा, ठीक है जी। तो आप हमें बता दें मैं कहाँ कहाँ लगता हूँ यार, ठीक है। खालिद भट्टी, खालिद भट्टी कह रहे हैं आप मस्खरे बहुत अच्छे हैं, एक जुमला लिखा है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, कहते हैं इट गेट्स वन टू नो वन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट। अच्छा जी, कामरान जी, नवाज चौधरी कह रहे हैं भाई मैं रिचमंड से 162 मील दूर रहता हूँ, जो कल हमने बात की थी, ठीक है ना। और यहाँ पर तो कोई हलाल फूड भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ कोई अरब खाना ना। सर आप गाजर नहीं खाएं, डॉक्टर अफान कैसर ने कहा है गाजर नहीं खाएं। अच्छा नहीं नहीं, तो भाई हम मतलब चले जाएं भाई, कोई ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए पर पाकिस्तानी फूड, लेकिन हो सकता है आपका जॉब हो, बिजनेस हो, इसलिए आप आओ तो गुड लक। बल्कि आप ही कोई खोल लें भाई वहाँ पर, ताकि हम कभी। और ये डैनवेल में रहते हैं जो उन्होंने अपना इलाका बताया, डैनवेल जी। समरा शाह कह रही हैं कि क्या वाकई हमारा मुल्क खलाई मखलूक के कब्ज़े में, मुक्तदर जो हमारे इदारे हैं उनको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा, आप अपनी नपी तुली राय दें। आहो हाँ, नाप दें और तोल और पर राय दें, ठीक है जी। समरा बारी कह रही हैं कि जनाब अली तारिक भाई मेरा नाम लेकर शेर पढ़ते हैं और भट्ट साहब कोई लतीफा भी सुनाएगा तो सब करें भाई। अभी जो आहो कहा था उसका अगला हिस्सा ये है कि जो पर्दे में खुद को छुपाए हुए हैं कयामत वही तो उठाए हुए हैं। नाम तो ले सुमेरा बारी का, सुमेरा बारी साहिबा, आप सुमेरा बारी, सुमेरा यार आपने पहले हाँ वो गलत पढ़ लिया मैंने, सुमेरा बारी साहिबा आपके लिए। और मेरा है कि कुछ बना लेता हूँ मैं, ठीक है जी। बारी बरसी खटन ग्यासी खट के ल्यांदा के यार हो रहा ने एक ऑडियो कटी वो भी निकली फेक। ठीक है, ठीक है, हो गई है ठीक है, सॉरी। खिजर हयात भाई कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने हमसे पूछा जी पंजाब में तो खान साहब को ऐसा लग रहा है कि चूना लग गया, क्या केपी के असेंबली का क्या मुस्तकबिल है, क्या वो टूट जाएगी? एक टूटेगी तो दोनों टूटेंगी, एक नहीं टूटेगी तो दोनों ही टूटेंगी, ठीक है जी। तुरगत भाई कह रहे हैं कि तू निकल जा पहले। तुरगत बे भाई बोल भाई, न्यूयॉर्क के रक्षे बस टैक्सी आपको पता है यार बहुत गंदी ट्रैफिक है, जैकब की लिमोजीन। तुरगत बे कह रहे भाई आप लोग अशर शरीफ केस की अपडेट भी दिया करें, हम मतलब वो भी एक अहम केस है और हुए तो भाई हम इस केस को नहीं भूले और हम इसके बारे में रखते हैं। बस ये है कि कभी कभार हमारे रनडाउन में नहीं शामिल होता ये, ठीक है। और आज की मैं आपको अपडेट, आपको आज की अपडेट पता है? नहीं आप बताइए प्लीज। हाँ, आज की अपडेट ये है कि भाई जो JIT थी, स्पेशल JIT वो बनी थी और उन्होंने आज अपना उनका आठवें सेशन में मुराद सईद ने जाके अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। अच्छा, गुड, ठीक है। उनसे 4 घंटे तक उनके साथ हुए सवाल जवाब और साथ ही एसोसिएशन के जो वकील हैं उन्होंने भी अपना, शुएब रज़ाक साहब उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, ठीक। तो ये अपडेट है आपके लिए, ठीक है जी। तो अगर भाई के लिए फरहान बलोच कह रहे हैं कि जिस तरह ये पंजाब असेंबली में गवर्नर ने अदम एतमाद के बोर्ड के लिए वो कॉल दे दिए, क्या इस तरह सदर वजीर आजम को कॉल नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन उसे पता हो कि होगा क्या, ठीक है। तो ये आपके यानी यहाँ तो बंदे खरीदने की तैयारी हो रही है, वहाँ नहीं हो रही, इसलिए बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने आज ये वाले कमेंट्स आए कि मतलब ये जो अब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं जो एनालिसिस वाले ने, तो ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। खैरत टीवी वाले गौरव अब्बास भाई, गौरव अब्बास
कह रहे हैं कि भाई आप तारिक भाई और भट्ट साहब आप किसी चैनल से वापस हैं तो उसका बताएं ताकि हम वो चैनल भी लगा के देखा करें टीवी पर, और मोइन भाई को भी रखें। मोइन भाई इस वक्त कैमरे के पीछे बैठे हुए और मुस्कुरा रहे हैं, उनकी बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या मोबाइल पे देखे जा रहे हो? ठीक है जी। मिसेस खान, मिसेस खान ने कहा, मिसेस खान ने भी कुछ ऐसे ही कहा, सही से कहे खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस, खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस, नहीं खान, अच्छा फ्रॉम द एपिग्लोटिस, माय नेम इज खान, हाँ याद आया, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट। ओके ठीक है। मिसेस खान कह रही है भट्ट साहब, तारिक भाई और मोइन भाई तीनों मिलके व्लॉग करें प्लीज। ओके ठीक है, आपका लंबा वाला प्लीज मोइन भाई तक पहुंच गया। मिसेस खान, मोइनुल्लाह खान पूरा नाम तो नहीं इनका? हो भी सकता है, अगर आप नहीं है, अगर आप भाभी नहीं है तो माजत। नहीं कह रहे, नहीं है यार, मरवाओगे तुम लोग, इशारे कर रहे हैं कैमरे के पीछे से। नहीं नहीं, हमारी बहन, हमारी बहन, हाँ मजाक किया था, मजाक ठीक है ना। अच्छा जी, गजाला शकील, जवेरिया कमल, इन्होंने खान साहब के लिए सपोर्ट भेजी है कि खान साहब की मेजॉरिटी पॉपुलरिटी डेंट नहीं हो सकती, ठीक है उनसे, तो ठीक है जी, थैंक यू। अदनान सारी भाई कह रहे हैं, अच्छा वो आपकी कलेजी का कल बड़ा चर्चा रहा है। ओके ठीक है, और आपकी सेहत के लोगों ने आपको वेलकम बैक किया और आपको सेहत की वो दिए, दुआएं दी, और सबने तकरीबन ज़्यादातर लोग यही पूछा भाई कलेजी कहाँ से खा ली थी, कैसी कलेजी, घर की बनी हुई। हाँ तो अदनान सारी भाई ने ऑस्ट्रेलिया से बोला है कि भाई आप मेरे पास आए, मैं आपको कलेजी बनाकर खिलाऊंगा, उससे आपकी कभी तबीयत खराब नहीं होगी, आप सीधा फौत हो जाएंगे। मैंने ऐड किया, सॉरी मैंने ऐड किया। अच्छा आंदेव साइमा तंसी ने भी ये कहा भाई लाभ, तारिक भाई लगता है आपने भट्ट साहब को कलेजी नहीं खिलाई थी तभी आपको लड़ गई। तो भट्ट साहब की नहीं यार, मेरी बहन ऐसा तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और इन्होंने कुछ कप्तान का इशारा और के बाद कुछ वो फाड़ते हुए निकले वाला कमेंट किया, तो पता नहीं, हाँ मुझे पता, मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना, कि चौधरी परवेज अली के हवाले से। अच्छा तो मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लगी रहो मेरी बहन, ठीक है मैं आपके साथ हूँ। हाँ। इस बारे में कोई यकुर्फी लफ्ज लिखा है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। असल में होता ही है, कमेंट बहुत लंबे होते हैं, निकल जाते हैं पॉइंट्स, हाँ पॉइंट जो ना लिख लेता हूँ, ठीक है, इज्जत रख ली मेरी बहन, ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले ऑडियो पार्ट टू, ऑडियो पार्ट टू, और कल भी हमारे व्यूअर्स ने हमें कहा है कि आप लोग जो है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया उस ऑडियो को डिटेल में जो कल आई थी, कंटेंट डिस्कस नहीं किया, कंटेंट डिस्कस नहीं किया, और आज मुझे थोड़े आपके तेवर बदले नजर से आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ लग रहा है, कुछ हकीकत के अरीब करीब। देखिए, आयला मलिक साहिबा के साथ मैंने काम किया दुनिया न्यूज में, और इमरान खान साहब को पूरी दुनिया ने सुन रखा है, दुनिया ने दिन में कई बार सुन रखा है। आज जो कंटेंट है उस ऑडियो का, अगर फर्ज कर लीजिए माने टेम्पर्ड है, तो मुझे कोई खास टेम्पर्ड नहीं लगा, ये मेरी राय है। आप मुझसे पूछे आज की ऑडियो ओरिजिनल थी या फेक थी, ओरिजिनल थी, फेक थी भाई, मुझे फेक नहीं लगी, जबरदस्त। अच्छा एक दूसरा, अब इसमें कुछ बातें जो थी काबिल एतराज और अजीब सी थी, हमारे दोस्त इमरान रियाज खान ने एक सॉफ्टवेयर है जो इलॉन मस्क ने भी प्ले किया था एक महफिल में बैठ के, और उसने बताया था कि यहां आवाज डालेंगे क्रिएटर एनालाइजर डीप फेक टेक्नोलॉजी, और वो उसके बाद उसको बना के प्रोसेस करके आपको दे देता है। तो इमरान रियाज खान ने मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज़ निकाल के मियां जिन्नारी वर्जन के कर दिया है, ठीक है। मेरी चूंकि कंटेंट सुन के मैं ये बात कर रहा हूँ, आवाज़ें कैसी है मैं इस पर बात नहीं कर रहा। एक मेरी राय है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, आमीन। तो दूसरा, मुझे इससे ज़्यादा ना मुझे इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि जो ऑडियोज़ हैं ये दो मुमकिन तौर पर इदारे जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, एक जावेद निहारी वाले, हाँ, और एक अहबाब स्वीट्स वाले, बिल्कुल ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास, फर्ज कीजिए कि आपके पास जमील का, शकील का या सलीम का मोबाइल नेटवर्क है, तो जमील, शकील और सलीम में से कोई रिकॉर्ड कर सकता है अपनी जहां से सर्विस दे रहा है उनके पास, तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं मुमकिन तौर पर। तो अगर इनमें से किसी ने रिकॉर्ड की है तो आपकी, बट साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि ये किसी दो लोगों की पर्सनल गुफ्तगू वो रिकॉर्ड की जाए, या सरे महल कैसे खरीदा गया, बिलावल बेटे कहाँ रखी हुई हैं चीज़ें, अकाउंट कौन कौन से हैं, या ये कि किकबैक्स, कमीशन, माल पानी, आ जाओ, नोटों का भरा हुआ बैग रखा हुआ है,
ये वाली ऑडियो सामने आए, आपकी ख्वाहिश क्या होगी? अगर ये हमारे कोई भी इदारा महकमे डाक कर रहा है, ठीक है, अगर ये हमारा महकमे डाक रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी, रिकॉर्डिंग कौन सी हो? मेरा जाती दिलचस्पी तो वीडियोस में, खैर भारत फिट है मूव बेटा, क्योंकि देखा ऑडियो में पता नहीं चलता ना, मतलब इट कैन बी एडिटेड। और देखिए वीडियो भी करप्शन की वीडियोस की बात कर रहा हूं यार मैं, क्या अच्छा हां हाँ, वो जैसे खैबर पख्तूनख्वा वाली आई, हां ठीक है ना, तो यार आप खाओ कोई राणा मशहूर वाली आई थी, राणा मशहूर वाली जो आई थी, बिल्कुल इस तरह की वीडियो, उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन कंसल्टेंट कुछ पैसे थे, वो पैसे ले लिए बस, और नोटों की गड्डियां, मतलब ये चीज हो कि ये अदालत में एडमिसिबल प्रूफ होता है वीडियो, ठीक है ना, उसमें एडिटिंग का सीसीटीवी नहीं होती, सीसीटीवी नहीं होती क्योंकि वो दूसरे के बहरहाल एडमिसिबल प्रूफ किसी हद तक होता है, इसकी भी कुछ टेक्निकलिटीज है, ठीक है ना, जो कोई वकील साहब है तो वो प्लीज हमें एक्सप्लेन करते हैं। ऑडियोज में बहुत सारा गुमान हमेशा यही रहता है कि ये हो भी सकती है, मेडअप भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, और बड़ी ये चवल किस्म की बात लगती है, ठीक है ना, किसी की ऑडियो निकालते हैं, लेकिन बहुत इंतहाई घटिया पने की ये स्पाई गेम है, ठीक है ना, मतलब कौन सा, हाँ वो स्काई गेम है, सॉरी हाँ, तो ठीक है, हाँ ठू ठीक है हो जाता निकल जब पता नहीं सारी जो ये वाला जो काम है ना, ये वो बाज़ औक़ात अम्मियाँ करती है बच्चों के बाल जब गिर जाते हैं कंघी में से समेट के आखिर में फू कर दिए, ताकि उन पर कोई जादू टोना ना किया जा सके, ये जो मिथ है मुख्तलिफ उनमें से एक है, मेरे मुंह से जादू के ज़ेर असर ये अल्फाज़ निकल गए, मुझ पे ओके टोना मुना कराया होगा किसी, ठीक है ना। अच्छा तो आप कंटिन्यू कर रहे थे, सॉरी इसका आप कर रहे थे, कौन सा गेम है? मैंने बॉल उधर फेंक दी है, इतनी जो गेम ऑफ थ्रोन्स है ये जो बॉल को मैं छोटा समझ रहा था इतनी बड़ी बॉल हो गई, तो मैंने आपकी तरफ फेंक दी, तो ठीक है। अच्छा तो यार मैं तो ये कहूंगा कि कोई एंज द जादू दस ढोला मैं ऑडियो लिखा करप्शन सामने आ जावे, ठीक है ना, कोई एंज द जादू दस ढोला मैं करप्शन लिखा पैसा मुल्क वापस आ जावे, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये काम करने की क्या जरूरत है भाई, मतलब हेलो क्या देखना चाहते हैं आप? जैसे वो जिन्होंने नंगा किया था एफआईए वालों, ये जमील फारूकी को ले गए, शहबाज गिल को ले गए थे, आजम सवादी को एफआईए वालों ने उठाया था, तो मैंने तो पूछा था, मैंने कहा ये मतलब इन्हें ये लगता है कि फर्क तलाश कीजिए खेलेंगे, वो जो बच्चों की वो होते थे कार्टून में अखबारों में बच्चों के सफे पर, ये किसका नहीं, और मतलब आप भाई क्या आपको लगता है कि ये एलियन है, वो जो पीके में था उसने आगे क्या कैसेट रिकॉर्डर रखा हुआ है, मतलब क्या कैसे यार, मतलब मैं नहीं समझ आता, सबके अपने अपने शौक होते हैं यार, क्या हो गया, शौक होते हैं हाँ, और उसके नतीजे में हम लोग भी शौक हो जाते हैं ना, ठीक है, तो ठीक है ना, चले जी हम मतलब हमने इस ऑडियो के कंटेंट डिस्कस नहीं किए, वो हम बाद में करेंगे, और तारिक आराम से बैठ के आप लोगों के लिए इतना ही, हम अपने लंदन की तरफ आगे बढ़ते हैं, खान साहब का मुमकिन असेंबलियाँ तहलील करने का जो अब आ रहा है वक्त करीब आ रहा है, और अब कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब असेंबली में, तो सिप्तान खान साहब ने कह दिया कि इसको एंटरटेन नहीं कर रहे, एंटरटेन नहीं कर रहे उन्होंने, क्योंकि ये उनके नजदीक गैर आईनी है, बिल्कुल उन्होंने रूलिंग दे दी स्पीकर की रूलिंग। अब नून लीग वाले कह रहे हैं ताहिर खलील सिंधू साहब कि हम तो पहुंच जाएंगे, वो हम फूल चमन में आते हैं, तुम किसको लेने आते हो, तो हम चौधरी परवेज राई को लेने आते हैं, इसके बदले किसको भेजोगे, तो वो ये कह रहे हैं क्या नाम उनका, हसन मुश्तबा को भेजेंगे, तो वो जो है वो यू करके बच्चे खेलते आएंगे, नहीं नहीं राणा साहब ने भी भड़के की ना मारी, हाँ राणा साहब ने भी बड़ी भड़के मारी, वो कह रहे हैं कि हम वजीर आला को सील कर देंगे, वजीर आला को अंदर बंद कर देंगे, गवर्नर साहब के पास इख्तियार है, ठीक है ना, कोई मायका लाल हमें नहीं रोक सकता। फैसलाबाद में ना नहर किनारे एक सड़क पर प्लॉट है कब्जे का, पुराना केस है, उन्हें लगता है वजीर आला वही है, वो इस तरह चौधरी ने भी यही कहा है, उन्होंने इसी तरह की बात की, उनके केस है उस पर, अच्छा हाँ, वो उन्होंने 92 न्यूज में, क्योंकि 92 न्यूज के जो ओनर है ना उनकी और राणा साहब की बड़ी खास उनसियत है, उस उनसियत की बिना पे उन्होंने बड़ा कवर किया इस मामले को, तो हमने 92 न्यूज पर अच्छा खासा कवर किया। अच्छा उसमें अब ये भी हो गया कि देखिए इस वक्त जो है नींदें हराम हुई हुई हैं, इम्पोर्टेड इत्तेहाद जो है उसकी जो है नींदें हराम हुई हैं बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ पर पीडीआई वाले मजे सो रहे हैं, वहाँ पर लगी हुई दौड़े,
खान साहब ने भी आज जो साथियों से बात की, उन्होंने कहा परवेज इलाही कहीं नहीं जा रहा, हमारे साथ है, मैं मुतमईन हूँ, आप उन्हें घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो उनके मुल्तान के जो आए हुए थे उनके पास अरकानी असेंबली, उनको करके भेज दिया। मुल्तान से हाफिज का सोहन हलवा लेकर आए होंगे वो लोग, खान साहब के लिए तो लाए होंगे, पिस्ते बादामों से भरा हुआ हाफिज का सोहन हलवा। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है यार। खैर अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था यार, आप कहाँ ले जाते हैं मुझे। अच्छा, मैं एक और नाम पे था, आप किसी और चीज पर थे। नहीं, आगे आ जाए। हाँ भाई, आप जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो उसमें होगा ना, ठीक। खैर बारह खान साहब ने मैं हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तहत क्या रहता मैंने छोड़े यार, आप मुझे अच्छा। क्यों हकीमी उसकी रुझान की तरफ रागब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं कहा, मैं क्या बात कर रहा था यार, आपने मुझे जो खान साहब के मुल्तान वाले आए, हाँ मुल्तान वाले आए हुए थे, घबराना नहीं है, और उन्होंने एक नारा भी लगाया आज खान साहब ने, मैं कल्ला ही काफी है, ठीक है। ये तो वैसे उन्होंने बताया, हाँ, ये 13 जमातें, इनका इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दोस्त, हाँ, ये सब मिल गए, लेकिन खान साहब कल्ले काफी, हाँ, हैं, ये उन्होंने करके दिखा, हाँ, दिया। तो ये बड़ा वो जो है उनको चल रहा है। अच्छा अभी फवाद चौधरी साहब ने भी लेटेस्ट अभी कुछ देर पहले कहा जी हमारा पहला राउंड मुकम्मल हो गया, काफ लीग से बातचीत का सीट एडजस्टमेंट, हाँ ठीक है ना। और जनाब अली कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब, फवाद चौधरी, इन्होंने चौधरी साहब के साथ बैठ के मुलाकात करी। चौधरी साहब खेल क्या रहे, खान साहब को कहते हैं एहसान फरामोश है, चीमा साहब उनकी मिसेज को कहते हैं औकात नहीं है, बाकी सारे करने के बाद बोनिस 3 बार मिलके चला जाता है, फिर चौधरी साहब 3 को लेके बैठ जाते हैं, हाँ भाई 100 फेयर की देना है। अरे चौधरी साहब खेल क्या रहे यार बेचारे, अब चौधरी साहब जो है ना वो उनकी पाँव जो है ना, पाँव उनका एक रह गया और किश्तियाँ 3, हाँ, उनके पास उनको समझ में आ रहा वो जो उचक रहे हैं, हर कश्ती में उचक रहे, ऐसा ना हो कि पानी में गिर जाए यार। और वो चौधरी साहब बद्दुआ दे देंगे, हाथ उठा के, हाथ उठा के उनकी बद्दुआ लगती है बड़े जोर की, हाँ ठीक है ना। अच्छा दो ही लोगों की बद्दुआ लगती है वही कह रहा हूँ ना। और उधर से वो अच्छा चौधरी शुजात भी जो है ना, चौधरी शुजात भी अपनी तमाम उधर तवानाइयों के साथ जो है खटिया इंसान इसमें लगे हुए हैं, और वो भी अपना हाथ कहीं फंसा बैठे हैं वो, ठीक है, अपना हाथ फंसा और आप कह रहे थे हम कंटेंट डिस्कस नहीं करेंगे, मैं तो चौधरी का कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ यार, ये मैं वो जो दूसरी ऑडियो आई इसका कंटेंट डिस्कस नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाँ अच्छा, किसी ने नहीं सुनी होगी वो ऑडियो, हाँ कसमें कसमें, ठीक है ना। तो खैर तो चौधरी साहब भी अपना हाथ फंसा बैठे हैं, अपना बल्कि अपना सिर फंसा बैठे हैं, ठीक है ना। अब उनको उनको जो है यार मुझे नहीं डिस्ट्रैक्ट करो यार, लोग समझेंगे मैं कोई गंदी बात कर रहा हूँ, ठीक है जो के चलो ठीक है। लेकिन बारह तो अब जो है बॉल आपके कोर्ट में यार, आपने मेरा सारे जन पूरा चौधरी साहब तोड़ दिया, कुछ और नहीं फंसता, चौधरी साहब के मुंह में लफ्ज फंस जाते हैं, हाँ ये उड़ी उड़ी खा गया जो मैं समझा दिन उसको बताया, ये मेरे नजदीक ये थोड़ा सा फाउल प्ले है चौधरी साहब की। नहीं नहीं, मैं तो सुहेल साहब की मिमिक्री कर रहा हूँ, वो करते हैं ना। अच्छा हाँ, तो वो चौधरी साहब के मुझसे कुछ निकलता नहीं है। अच्छा तो ये गलत बात है, हम करें तो पाप, तुम करो तो पुण्य, हम करें अच्छा, तो है। खैर इतने काके मुन्ने, हाँ चुन्ने मुन्ने नहीं नहीं और कुन्ने, हाँ पता नहीं। खैर अच्छा चले, खैर हम अपनी आज की दूसरी जो हमने थंबनेल दिया है अपने व्यूअर्स को, ये शिफा यूसुफ़ज़ई के घर पे, यार ये बड़ा अजीब है, शिफा के साथ पहले ये हो रहा था कि इंतहाई घटिया, इंतहाई सीरियस, इंतहाई घटिया किस्म की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई, और सारे PMLN सपोर्टर थे, शिफा मुसलसल उनको ना बताती रही हर एक को टैग करके और सामने उनके स्क्रीनशॉट और उनका अकाउंट रख के कि ये फिल्दी जो है इसको भी मरियम फॉलो करती हैं, इस गंद को भी, इस मैस को भी मरियम फॉलो करती हैं। वो घटिया तरीन शिफा के खिलाफ मरियम औरंगज़ेब के फॉलोअर्स ने, मरियम नवाज़ शरीफ के फॉलोअर्स ने, और जिनको मरियम ख़ुद फॉलो करती हैं, उन्होंने पूरी एक बुरी मुहिम चलाई, कैरेक्टर पर हमला किया, और उसके बाद अब शिफा के घर पर हमला हो गया। आज ये लोग घर पे नहीं थे, हाँ मुसल्ला अफराद थे, शिफा घर पे नहीं थी, इनके वालिद, इनकी वालदा, ये लोग घर पे नहीं थे, तो उन्होंने घर का फिर वो थोड़ा सा एक विजिट भी करवाया कि वो दीवार फलांग के या गेट फलांग के अंदर आए, मुलाजिम था उसको मारा पीटा, और उसे जो दरवाजे के साथ ही गार्ड रूम है वहाँ पर बंद कर दिया, और फिर उसके बाद वो अंदर गए, दरवाजे को लाते थे मानी। अच्छा इनके जो है ना कुछ चोरी वोरी के इंटेंशंस थे या नहीं थे ये नहीं समझ आया, क्योंकि पूछ रहे कहाँ गए हैं घर वाले, कहाँ गए,
अच्छा वो उसको मार मार के उसके कपड़े बड़े ही फाड़ दिए उन्होंने मुलाजिम के, उसे खिड़की तोड़ी गार्ड रूम की, वहां से निकल के फिर आ गया कि कौन हो भाई क्या कर रहे हो, तो फिर उन्होंने उसको मारा पीटा और बस यही पूछते रहे घर वाले कहाँ गए हैं। तो शिफा जो है वो उसके खिलाफ पहले वो अपनी इस ट्रॉलिंग की और इंतहाई खतरनाक ट्रॉलिंग थी उसके मामले पर अदालत गई थी, अब वो इस मामले पर भी जो है वो शी इज गोइंग टू द लीगल डिपार्टमेंट टू सीक जस्टिस। तो ये अब इस वक्त हाल है, लेकिन बहुत सीरियस है। हम न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर इस मामले को टेकअप किया और अथॉरिटीज से कहा है कि इसमें जस्टिस किया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चाहिए कि वो जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको मना करें एक खातून के साथ इतनी बुरी कैंपेन और इतना बुरा रवैया ना रखें। इसका अभी भी कोई सियासी मोटिव नजर नहीं आया या है? यार ये जो आए थे ये कौन हो सकते हैं मुझे ये समझ में नहीं आया। स्टोरी को फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉरगिव मी ऑन दैट। ये इनका जो घर आबाई घर है वहां पर इस्लामाबाद में हुआ है। अच्छा इस्लामाबाद में हुआ, ठीक है ठीक है। तो बड़ा कोई अजीब काम था और बाकायदा ये हुई क्योंकि आने वालों का अगर चोरी वोरी का वो होता ना सिलसिला तो फिर वो और आगे जाते हैं गार्ड से कहते खोल, वो ये पूछ रहे घर वाले कहाँ गए। नहीं तो मतलब वो तोड़ ताड़ के दरवाजा अंदर जाते हैं कुछ उठा के ले जाते, उन्होंने ये नहीं किया, उनके इरादे कुछ और थे। चले जी ये अर्ली रिपोर्ट्स हैं, बहरहाल इसके बारे में तफसीला जैसे आएंगे हम अपने हाँ। के साथ ये करेंगे, शेयर कर लेंगे, अपडेट दे लेंगे। मेरे ख्याल में यही रैप अप करते हैं आज, ठीक है ना, क्योंकि असल में ये होता है कि बहुत सारी खबरें हमारी ऐसी होती हैं कि हम आपको दे देते हैं और वो तब्दील हो जाती है क्योंकि इतनी तेज़ी से अब हमारी सियासी सूरत हाल वो हो रही है, बदल रही है। क्योंकि हमने एक दिन कहा था जी परवेज़ इलाही कहीं नहीं जा रहे, अगले दिन उन्होंने कहा जी पहले पढ़ो, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल हम आपको अपडेट रखेंगे यहाँ पर। और आप लोगों ने जितना जो हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा जी मोइन भाई को भी लाएं शामिल करें, उनके लिए भी कुर्सी लगा देंगे भाई, फिक्र नहीं करें, मोइन भाई आ रहे हैं। और मोइन भाई यार हमसे यार एक एक कुर्सी यहाँ, इस कुर्सी मोइन भाई को बिठाएं, मैं दरमियान में यहाँ बैठूंगा आप दोनों के एक कंधे पे हाथ रख के और लुकमा देता रहूंगा। किसको लुकमा देंगे? गुफ्तगु में। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन यार मैं मोइन भाई के साथ वो उस तरह वाली गुफ्तगु नहीं कर सकता जैसे मैं आपसे करता हूँ। क्यों है मोइन भाई शर्मा जाते हैं, बड़े शर्मीले हैं वो। आप तो चले आगे से बढ़ के उससे अच्छी बात कर जाते हैं, तो मोइन भाई आगे से मोइन भाई आगे। लेकिन नहीं, मोइन भाई की हमें ज़रूरत है, इस तरह का बंदा जिस जिसकी वजह से हम दोनों कंट्रोल में रह सकें, ठीक है। थोड़ा सा हम थोड़ा सा अपनी हदूदों के हदूद में रहेंगे। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखें, कॉमेंट करें, लाइक करें। और एक भाई ने कहा था कि आप लोग पता नहीं क्या करते हैं तो खामखाई हमें कहते हैं सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आप मेरी पहली वीडियो अब तक देख लें, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि आप हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें पसंद करते होंगे आप खुद से ही करेंगे सब्सक्राइब, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो भाई कमेंट्स कर लें हमारी इस्लाह के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अम्मी का अब्बू का भाई का फोन उठाएं, उस पर सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप खुद मत करें, हम नहीं कह रहे आपसे। हम नहीं कह रहे उनसे कह ले। खैर वाला थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपने अगर हमें अब तक सुन लिया, आपकी हिम्मत को दाद है, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।